अगर आपके जमीन का पीएच बढ़ा हुआ है जिससे आपके फर्टिलाइजर का अपटेक नहीं होता है फर्टिलाइजर ज्यादा देने पर भी रिजल्ट नहीं मिलता है पौधे की अच्छी ग्रोथ नहीं होती है खर्चा दो गुना बढ़ जाता है तो यही समस्या हो सकती है कि आपके जमीन का पीएच ज्यादा हो सकता है तो इसी के नाम पर आपको अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बेच देती है और यह समस्या उत्पन्न करने वाली भी कंपनियां ही है तो यार इस ट्रैप से बचना चाहते हो तो पहले ये आपके जमीन का पीएच बढ़ता कैसे है? ये समझना पड़ेगा फिर आप ट्रैप में कैसे पसे? ये समझना पड़ेगा और हाँ तो वीडियो, तो वीडियो को, हा, को लाइक नहीं किया है लाइक कर दो इतना महत्वपूर्ण विषय है हजार लाइक का टारगेट तो बनता ही बनता है तो चले शुरुआत करते हैं तो जमीन का बढ़ा हुआ पीएच कैसे कम करे तो पहले तो हम जान लेते कि पीएच होता क्या है आ, मैंने बहुत सारी जमीनें देखी है कुछ एसिडिक भी होती है कुछ न्यूट्रल के करीब करीब होती है सौ टका न्यूट्रल वाली जमीन तो होती नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं पे रिएक्शन हो जाता है एक तो अल्कलाइन की तरफ चला जाता है या फिर एसिडिक की तरफ चला जाता है और कुछ तो चुनखड़ी वाली जमीन होगा या फिर ज्यादा अल्कलाइन पीएच वाली जमीने होती तो पीएच जो मेजर किया जाता है वो एक से चौदह तक किया जाता है और सात को न्यूट्रल कहा जाता है ये जो सात वाला पीएच होता है ना उसको न्यूट्रल यानी कि यह एक बहुत ही एक आइडियल कंडीशन आप इसे कह सकते हो अगर आपकी जमीन का या फिर पानी का पीएच साथ है तो इस साथ के अंदर जो भी पीएच होता है उसको एसिडिक कहा जाता है और साथ से ऊपर वाले पीएच को अल्कली कहा जाता है तो एसिडिक के अंदर आपके न्यूट्रिएंट का अपटेक आसानी से हो जाता है वहां पे कुछ भी तकलीफें आपको महसूस नहीं होती है लेकिन जब आपका पीएच सात से ऊपर होता है तब आपको बहुत ज्यादा तकलीफें होती है तो अभी पीएच तो आपको समझ आ गया होगा कि सात से ऊपर आपका पीएच होगा तो उसे अल्कलाइन पीएच कहते हैं तो अभी ये जमीन का पीएच कैसे बढ़ा तो जमीन का पीएच बैलेंस कैसे होता है पहले ये समझ लो फिर आपको ये कैसे बढ़ा ये समझ में आ जाएगा तो आपके जमीन का पीएच कौन बैलेंस करता है फार्मिंग तो अभी केमिकल फार्मिंग को शुरू किए हुए मेरे हिसाब से सत्तर अस्सी साल या फिर सौ साल कह लो सौ साल के भीतर भीतर हमने केमिकल का ज्यादा इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है तो उससे पहले भी एक आपके जमीन का पीएच बैलेंस हुआ करता था तो वो कौन करता था तो वो करते थे आपके जमीन के अंदर मिलने वाले जो भी एक सूक्ष्म जीव होते छोटे-छोटे बारीक-बारीक जीव होते एक केचुए हो गए या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए बैक्टीरिया फंगस हो गए जो आपके जमीन में रहते थे वही आपके जमीन का पीएच बैलेंस करते थे अभी आप कहोगे कि भाई इसको और भी ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करो तो समझ लो जो भी जहां पे लाइफ होती है ना वहां पे अभी देखो आपके बैक्टीरिया हो गए या फिर आपके फंगस हो गए अलग अलग प्रकार की वो उसके जीवन काल में बहुत सारे एसिड्स उसके उसके बॉडी से से बाहर निकलते उसके में से बाहर निकलते निकलते हैं शरीर में और वही एसिड्स आपके जमीन का पीएच कम करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप आपके जमीन का पीएच बैलेंस रहने की कोशिश करता था जो कि अब नहीं है अभी ऐसा क्या हुआ कि ये जो जमीन का पीएच है ये बिगड़ने लगा तो हम जड़ तक जाने वाले और आपको जड़ तक बताने वाले तो ये जो समस्या उत्पन्न होने का जो कारण है वो सिर्फ और सिर्फ ये माइक्रो की कमी है। अभी आप कहोगे कि यार हमें तो प्रूफ के साथ तो दिखाया करो हमें तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं है और रखना भी नहीं चाहिए कुछ बातें आपको समझने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है लेकिन अंधविश्वास की तरफ हमें बिल्कुल भी जाना नहीं है तो इसका प्रूफ क्या है तो अभी आपको बता दे कि जब आप बचपन में या फिर दस बारह साल के होंगे जब स्कूल जाया करते थे तब आपके घर के पास भी गाय भैंस हुआ करती होगी तब तो आपने एक नोटिस किया होगा कि जब भी आपके जमीन के ऊपर कोई गोबर वगैरह पड़ता है तो उसके अगर गलती से वो गोबर उसी दिन नहीं उठाया गया तो दूसरे दिन वो आधा आधा डाइजेस्ट हो चुका होता है यानी कि आधा उसका विघटन हो चुका होता है और आधा उसका एक कंपोस्ट बन चुका होता है लेकिन अभी के जमाने के अंदर देखोगे ना अभी अगर ये गोबर उठाया नहीं गया समय पे, तो सात दिन भी नहीं उठाया तो जैसे का तैसा दिखेगा कुछ भी डेड बॉडी हो गई यानी कि आपके कुछ पशु बीमार होकर मर गए तो उनकी डेथ बॉडी भी पिछले जमाने के अंदर मतलब जब हम दसवीं कक्षा में थे या फिर पांचवी कक्षा में थे तब के जमाने में के जमाने के अंदर क्या हुआ करता था कि उस बॉडी में से एक बहुत ही गंदी वाली स्मेल आती थी जो कि अब नहीं आती है महीने महीने तक वो वैसे ही बॉडी पड़ी रहती है उसका विघटन नहीं हो पाता है तो विघटन किस जरिए होता है तो विघटन होता है इन बैक्टेरिया फंगस के कारण जो कि अभी कम हो चुके अभी आप पूछोगे कि यार ये कम क्यों हो गए अचानक से इतना फर्क क्यों पड़ा पांचवी दसवीं कक्षा में इसका विघटन तुरंत हो जाता था एक दिन में और अभी आठ दस दिन हो जाने के बाद भी इसका विघटन क्यों नहीं हो पा रहा है पहले तो कोई डिकम्पोजर नहीं था कुछ भी हमें डालने की जरूरत नहीं थी अपने आप अप नेचुरली यह प्रोसेस हो जाती थी लेकिन अभी ऐसा क्या गलत हुआ है कि इस तरीके से सब कुछ बदल गया है तो जो भी एक कारण है वो कारण बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं तो जो भी आपके हरबी साइड होते हैं ना हरबी साइड के अंदर अलग अलग प्रकार के साल्ट होते हैं आप नोटिस करना ग्लाइफोसेट हो गया उन सभी के अंदर एक प्रकार का शब्द इस्तेमाल किया जाता है साल्ट तो ये जो साल्ट होता है ये एक आपका प्रकार, एक प्रकार का शार होता है जो आपके जमीन के लिए बहुत ही घातक होता है जिससे आपके जमीन के अंदर वाले जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाते हैं और ये मर गए तो अपने आप आपके जमीन का पीएच बढ़ने लगता है तो अभी मार्केटिंग वालों ने क्या किया आपको हर पिला पिला कर पिला पिला कर अभी इतना जमीन कमजोर बना दिया है कि अभी हर भी भी गायब कर दिए खरपतवार तो बहुत तेजी से उग जाते हैं आपके जमीन के अंदर लेकिन अभी ये हमारे जो दोस्त वो गायब हो चुके हैं अभी इस दोस्त को बुलाने के लिए हम डिकम्पोजर का इस्तेमाल करते हैं पी एस बी हो गया के एस बी हो गया ट्राइकोडर्मा माइक्रोराइजा अनगिनत माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करने के बावजूद भी वापस ये नहीं आ पा रहे तो ये बात को समझो और हाँ इसी का फायदा उठाते हुए अभी सल्फेट फार्मुलेशन को उसका अपटेक कराने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी थोड़े बहुत जरूरी थे लेकिन अभी वो ना होने के कारण सल्फेट फार्मुलेशन का रिजल्ट आपको बहुत जल्दी नहीं आता है और उसी के कारण आप क्या करते हो आपके लिए मार्केटिंग वालों ने चिलेटेड फार्मुलेशन बना दी है कि जो डाला और तुरंत अपटेक हो गया लेकिन चिलेटेड के अंदर परसेंटेज ही कितना होता है एक किलो के अंदर क्या होने वाला एक एकड़ जैसा एरिया के लिए तो तो यही वो मार्केटिंग है जिससे आपको बचना है तो यार देखो आज कल जो किसान सिर्फ बताएगा ना बता। ट्रीटमेंट करो ये करो वो करो अगर यही बातें अगर आपको बताते रहा तो यार आप जिंदगी में इस बात को समझ नहीं पाते और आपका जो नुकसान है और भी ज्यादा बढ़ता जाता रहेगा तो उसके लिए अभी अभी करना क्या है अभी जो हो गया सो हो गया अभी बचना कैसे है आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को इससे बचाना कैसे है तो सिंपल वाली बात है खरपतवार नाशक इस्तेमाल करने की जगह जो भी एक उसके अल्टरनेटिव है उसको ढूंढो मैन्युअली हो सके या फिर अभी यांत्रिकीकरण बहुत ज्यादा हो गया है कुछ मैकेनिज्म इस्तेमाल करने की कोशिश करो मल्चिंग पेपर के अंदर तो आपका खरपतवार होता ही नहीं तो खरपतवार नाशक की जरूरत भी नहीं पड़ती तो इस तरीके से कुछ खरपतवार नाशक का इस्तेमाल जितना हो के उतना आपके खेत में पहले तो बंद कर दो पहला पॉइंट पॉइंट हो गया दूसरा क्योंकि गोबर की खाद का अल्टरनेटिव के तौर पर अभी हम केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे जो कि आपको गोबर की खाद की तुलना में सस्ती और आने जाने के लिए बहुत ही आसान तरीके से आप एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते और उसका कम मात्रा में आपको ज्यादा रिजल्ट मिलता था इसलिए आपने गोबर की खाद खाद को डाटा बाय बाय कर दिया तो वही गोबर की खाद अगर मैं कहूँ कि यार फिर से इस्तेमाल करो तो वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी महंगाई इतनी बढ़ गई है और फसलों के दाम इतने नीचे आ गए कि ये जो तकनीकें इनका इस्तेमाल कैसे करे ये कंफ्यूजन है तो ये कंफ्यूजन है तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम कुछ कुछ वीडियो के अंदर ऐसे बड़े बड़े प्रॉब्लम के सोल्यूशन आसानी से बता देते हैं तो हर एक वीडियो अच्छी तरीके से देखा करो तो ये जो आपका अभी गोबर का खाद ही इस्तेमाल नहीं कर सकते तो गोबर की खाद के अंदर होता क्या है गोबर की खाद आपके गाय बेस से मिलती है और गाय भैंस खाती क्या है आपका चारा खाती है एक कुछ खली हो गया दाल हो गया कोई आटे जैसी कोई स्ट्रांग प्रोटीन वाली चीजें खाती है तो वही प्रोटीन हम देने का भी एक सुझाव आपको दिए थे अगर आप पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको ये बात भी पता होगी पहला पॉइंट तो वो है एक खली जैसे प्रोडक्ट का गुड़ जैसे प्रोडक्ट का आपको इस्तेमाल बढ़ाना है तो एक ऑर्गेनिक मैटर हम इसको कह सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर आपको आपके खेत के अंदर बढ़ाना है हरी खाद आप कर सकते हो तो हरी खाद हरी खाद को आप जितना ज्यादा करेंगे उतनी भी अच्छी बात हो जाती है जी ये, यार देखो मुझे पता है आपको ये सारे ऑप्शन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते मैं सारे ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें से जो पॉसिबल है आप जरूर कीजिए चिलेटेड की जगह सल्फेट का इस्तेमाल कर दीजिए यार देखो चिलेटेड की जगह सल्फेट का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है क्योंकि वही आपके जमीन का पीएच बहुत ही एक ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म होने के बाद वही मेंटेन कर रहे थे और जब से आपने चिलेटेड आने के बाद सल्फेट का इस्तेमाल बंद कर दिया है लगभग तो बंदी कर दिया है तो तब से आपकी यह समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है आप टेक कराने की और ज्यादा ज्यादा स्लरी का इस्तेमाल करो स्लरी के अंदर जो भी आपका नाइट्रेट नाइट्रोजन है गोमूत्र का इस्तेमाल जितना कम हो सके उतना कम करो बाकी का जो भी एक मैटर रहता है वो आप बढ़ा सकते हो लेकिन गोमूत्र के अंदर नाइट्रो नाइट्रोजन होता है तो उसी लिए उसको आपके कंट्रोल के अंदर रखकर ही उस लरी का इस्तेमाल करो इससे क्या होगा आपके जमीन के अंदर फिर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो भी एक एनवायरमेंट है वो बनने लगेगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर से बढ़ने लगे तो आपके जमीन का पीएच नेचुरली डाउन होते जाएगा अभी आप कहोगे कि यार फॉस्परिक एसिड सल्परिक एसिड क्यों नहीं बताया तुम्हें याद नहीं है क्या तो आपको एक बात बता देता हूँ फॉस्फोरिक एसिड और सल्पोरिक एसिड का ट्रीटमेंट अगर आप देते हो तो वह आपके जमीन का पीएच टेम्पररी डाउन करता है वह ट्रीटमेंट हमेशा के लिए नहीं है हमें जो सोल्यूशन चाहिए वो परमानेंट चाहिए हमारे आने वाली नस्लों के लिए भी हमें हमारी जमीन उपजाऊ तरीके से ही देनी है उसको बंजर बनाकर हम देंगे तो वह पाप आपके ही माथे रहने वाला है तो इसीलिए यह जो जमीने उनको उपजाऊ अच्छे तरीके से रखने के लिए आज से ही अगर आप यह जो काम है वो करने लगेंगे या फिर सोच समझ कर फर्टिलाइजर का कर इस्तेमाल करने लगेंगे तो आपकी जमीन उपजाऊ रहेगी और आपके जमीन का बढ़ा हुआ पीएच अपनी आप कम होने लगेगा अगर आपके जमीन के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अपने आप आ, अपने आप कम होने मतलब पीएच कम होने लगेगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप बढ़ने लगेंगे तो अभी यहाँ पे मार्केटिंग जैसी होती है भाई आपकी जमीन का पीएच बढ़ गया आपका फास्फोरस का अपटेक नहीं हो रहा है पोटेश का अपटेक नहीं हो रहा है आपकी खास सड नहीं रही है तो आप यहां पे एक काम करो वेस्ट डीकंपोजर का इस्तेमाल करो पीएसबी केएसबी माइ ट्राइकोडर्मा इस तरीके के प्रोडक्ट भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है भाई साहब तो उसका कारण यह है उसका इस्तेमाल मत करो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ इस्तेमाल कैसे करना है अब आपके दिमाग में क्लिक हो चुका होगा तो अगर आपके दिमाग में यह बातें क्लिक हो चुकी होगी तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा जितना ज्यादा हो सके अन्य निर्माता को सपोर्ट कीजिए इससे भी बढ़िया वाली जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में जय जवान जय किसान